बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड से, और खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को, फैमिली और फ्रेंड से सब्सक्राइब करने का भी कहें और अच्छे से कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नया दिन नई वीडियो में हम कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज? फिर इवनिंग टाइम शेयर कर रहे हैं, इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर करते हैं हम रोज ही। तो देखिये आज इवनिंग टाइम में चाय बना रहे हैं अच्छी सी। चाय बनाने के लिए पानी रख लिया है और दूसरी तरफ मैगी बना रहे हैं अच्छी सी। आज चाय और मैगी बनेगी मजेदार सी। मैगी बनाने के लिए मैंने पानी डाला था, पानी में बॉयल आ गया। अब ये मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ा है, यानी के चिकन का सूप कह सकते हैं ना, चिकन का सूप, चिकन स्टॉक। तो ये डाल लेते हैं, इससे अच्छा सा मैगी में टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिस्टर ने चिकन बॉईल किया था तो उसका लेफ्ट ओवर था तो हमने वेस्ट नहीं किया। मैगी बनाएंगे अच्छी सी और साथ में चाय के पानी में भी जोश उबाल आ गया तो अब इसमें पत्ती डालते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह पानी और अच्छी सी शाम की कड़क सी चाय तैयार करते हैं। पत्ती भी डाल दी है, जब तक कावा बनेगा मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास दूध है जो कि हम चाय में डालेंगे थोड़ी देर तक। तो आज हम जो डिनर में रेसिपी बना रहे हैं उसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं डिनर में कोफ्ते मजेदार से। कोफ्ते बनाने के लिए हमने बीफ का कीमा ले लिया है, ये वाली साहब पल लाए थे, गोश्त भी लाए थे काफी सा, खूब सारा बड़ा गोश्त आया था, बहुत सारा हड्डी वाला गोश्त आया था और उसके अलावा कीमा लाए थे। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 किलो कीमा है, दिखाओ क्लोज भी लो, इस तरह से फैट के साथ है, यानी कि चर्बी के साथ वाला कीमा है। ठीक है, तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने ले लिया बीफ कीमा, लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, ये तो मसाले की चीजें हैं और यहाँ पे दूसरी जगह भी प्याज लहसुन और अदरक है। ठीक है, जो कोफ्ते के अंदर जाएगा ये मसाले में जाएगा ये वाले इंग्रीडियंट्स, और ये वाले सिस्टर ने अलहदा से चौक किए हैं जो कि कीमे में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी में मैं डाल लूंगा प्याज। प्याज कोफ्ते में अच्छी खासी जाएगी, ये देखें इस तरह से सारी प्याज चली जाएगी। कोफ्ते के अंदर प्याज जरूर डालें, शामी कबाब हो या कोफ्ते हो उसमें प्याज खूब सारी जाती है अंदर। अगर नहीं डालेंगे तो कोफ्ता भी सख्त होता है और शामी कबाब भी सख्त होता है। ये कितने लहसुन है? एक ही बड़ा वाला है, एक लहसुन है तो आधा इसमें जाएगा और आधा मसाले में जाएगा। लहसुन तेज हो जाता है तो लहसुन का ध्यान रखें, ठीक। और ये अदरक, अदरक वैसे भी मसाले में भी जाएगी है ना? जी, मसाले में भी जाएगी और कोफ्ते के अंदर भी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये मैंने चीजें डाल दी कोफ्ते के अंदर। ठीक है, अब मैं साथ साथ मैगी की चीजें भी डाल देता हूँ। 3 पैकेट हमने ले लिए है चिकन वाले मैगी, चिकन मैगी मसाले वाले लगे। मैगी में भी थोड़ा सा आप लहसुन प्याज डाल सकते हैं पर हमें अच्छा नहीं लगता है। इसमें हम वो हरी मिर्च भी डालेंगे सिरके वाली है ना? जी जी, हेलो पेपर जिसे कहते हैं। और सिस्टर के पास चाइनीज मैगी है, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। अच्छा, जो लोग चैलेंज नहीं करते ज्यादातर वीडियो में, हॉट एंड स्पाइसी होता है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत महंगा मिला है। हाँ, पाकिस्तान में 300 रुपए का इतना सा मैगी मिला है चाइनीज वाला। चार मैगी हो, ऐसे बढ़िया, ये जहाँ से बनी हुई होती है ना प्लेट वहां से ऐसे। हाँ,
दिखाओ। अभी पड़ा आज सादे बना रहे हैं ना भाई, सिंपल ना जी। चिकन स्टॉक डाल रहे जी, कभी कभी सिंपल भी अच्छे लगते हैं जी। पापा कोफ्ते बनाएंगे डिनर में, सब इसे पकने देंगे ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा दाल, थोड़ा ज्यादा नहीं, वैसे भी ये थोड़े से ना चिकन वाले जो सूप वाले होते हैं ना, ये थोड़े फीके हुए होते हैं ना। चाय और साथ में आज नूडल्स बनाए हैं।
सर्व करो सबको। तो देखिए फ्रेंड, चाय टाइम कंप्लीट हो गया। चाय में चाय टाइम में आज वैकी और चाय की अच्छी सी वैकी, और इसके अलावा यहाँ पर कोफ्ते बन रहे हैं। कोफ्तों को हम प्रिपेयर करके रखेंगे। इसी तरह से हम कोफ्ते फ्रीज करके रखेंगे। और आज हम बना रहे हैं डिनर में बंद गोभी और गोश्त। बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए दो बंद गोभी। दिखाओ क्लोज व्यू लो, ये देखिये फ्रेश गोभी है। और ये कल वाले साहब लाए थे बड़ा गोश्त हड्डी वाला, ये हमने गोश्त ले लिया, साथ में इसकी हड्डी भी है। ये देखिए तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। उसके अलावा बंद गोभी और गोश्त बनाने के लिए हमने ले लिया लहसुन छीलकर चॉप करके रखा है, प्याज छीलकर चॉप करके रखा है, टमाटर की स्किन रिमूव करके रखी है, और एक अदरक का टुकड़ा है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह फाहिम अपनी बंद गोभी और गोश्त की रेसिपी का आगाज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर में डाल देंगे गोश्त। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। ठीक है। ये चला जाएगा और उसके अलावा चला जाएगा जी। कितना अच्छा गोश्त है। ये लहसुन कितने हैं? ये जी लहसुन 2.5 थे, एक पूरा एक आधा, एक पूरा डेढ़ डेढ़। इतना लहसुन जाएगा और ये प्याज जाएगी बाकी। ठीक है। ये जो टमेटोज है स्किन रिमूव की, रिमूव करके सिस्टर ने रखी। ये साबुत भी डाल सकते हैं पर हम थोड़ा थोड़ा चॉप करके डाल देंगे। इस तरह बस इतने टमाटर जाएंगे जी, और अदरक का टुकड़ा। हल्दी पाउडर जी क्यों रेड चिली पाउडर, ये थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि ये फीका होता है ना सैलड टाइप। चटपटी सी होनी चाहिए। फीका चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगा। मोबाइल पड़ा देखो नहीं है। काली मिर्च ठीक, और ये जी चने की दाल में भी बन गोभी बहुत मजे की बनती है, वो भी फ्रेंड्स को दिखाएंगे जी। चने की दाल में भी और आलू और बन गोभी मजे की बनती है, और गोश्त में भी बहुत ही अच्छी बनती है जी। चिकन में भी मेरी सिस्टर बनाती रहती है, वो भी अच्छी बनती है। अदरक भी गई। अब इसमें चला जाएगा कुकिंग ऑयल। तकरीबन 5-10 मिनट कुकर प्रेशर हो जी। ये गोश्त ना कल सिस्टर ने बोटियां बोनी थी तो ये काफी अच्छा था, मतलब सॉफ्ट था ना, तो उस हिसाब से हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल
अब हम चढ़ा देंगे। ये पानी भी ज्यादा है, इस पे चल जाएगा। विसल लग रही है। ठीक है, जब तक हम गोभी कट करेंगे तब तक ये भी रहेगा। देखो अल्लाह ताला ने कैसी पैकिंग में रखी है, ये इसकी पैकिंग है। ये बाहर मिट्टी वाले पत्ते होते हैं और अंदर इसकी पैकिंग मिली है, थी कितनी प्यारी। बस ये इतनी चलेगी, देखे अंदर से साफ सुथरी है। ठीक है, हमने छील, ये डिस्कार्ड कर देंगे ना। जी, डस्टबिन में फेंक देंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा वॉश कर लेते, वैसे तो ये साफ सुथरा, लेकिन जरा सा कर ले, जरा सा धो ले, मिट्टी कटका ना चला गया। क्या मिट्टी कटका, काटो काशी भाई, कैसे काट रहे हो? अच्छा यूं काटते हैं, बारी बारी चॉप करेंगे। बहुत ताजी फ्रेश है ना भाई, माशाल्लाह ताजा। ये देखें फ्रेंड्स कैसे काट रहे भाई, इसी तरह काटते हैं। आजकल फ्रेश सब्जी आई हुई है ना भाई, बहुत ताजा सब्जी, बहुत ताजी आई हुई है। क्या हो गया, देखेंगे इसमें डंठल सा आएगा ना, इसे छोड़ देंगे। ये देखें फ्रेंड, झुक सा गया है ना,
ये दिखाओ ना बेटा। इसमें ना ये जो ये डंठल है ये निकालना पड़ेगा। इधर है ये हटा भाई जी। या नेक्स्ट पहले ये निकाल दे। कॉलेज स्टार्ट हो गया ना। कटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है भाई की। ये देखिए इतनी क्रंची और फ्रेश है ठीक, बड़ा मजा आ रहा है काटने में। और ये बर्गर्स में भी डलते हैं और जो लोग डाइट करते हैं ना उनके लिए बंद गोभी का जो होता है सूप बहुत ही मुफीद होता है। बंद गोभी का सूप होता थोड़ा सा टेस्ट रहता है पर काली मिर्च और नमक डाल के ना डाइट के लिए बेस्ट चीज है। अच्छा ये देखिए डंठल आता है इसे हम फोड़ देंगे, थोड़े बहुत पत्ते रह गए फिर गाड़ी का ऐसे करने से खुल जाती है ना भाई। देखो ऐसे भी काटी जा सकती है, इस तरह से डंठल दिखाई देता है कहाँ डंठल आ रहा है। मैंने नमक नहीं डाला है ना, बस ये हो गया। ये देखती है नमक नहीं डाला मैंने ना, ये लग रहा है नमक डालना होगी जी। ये हम कर रहे हैं कोफ्ता की प्रिपरेशन। कोफ्ता की प्रिपरेशन नमक भी डाल लो ना। ब्लैक पेपर और ये है सिनेमन स्टिक पाउडर और ये नमक किला ग्रेवी में भी जाएगा और कोफ्ते के अंदर भी जाएगा। सही हो गया ठीक है।
प्रेशर कुकर को चेक करते हैं और साथ साथ इसे मिक्स करके इसमें मशीन में पीसते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। नमक डाला है ना जी? जी उस पर डालना है। ठीक है, सारे डालते हैं खुशबू है। दिखाओ गोश्त चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है गोश्त की। थोड़ा नमक डाल दो ना, भी सख्त बड़ा है ना। नमक मैंने पका नहीं डाला। नहीं भाई नहीं डाला। नमक से भी चीज थोड़ी गलती है, पता टमाटर हो गोश्त हो इवन दो लोग तो कहते हैं चलो मैं डालना उबाल के। जब तक ये चढ़ेगा मैं थोड़ा ये सेट कर लूं। ठीक है, ये बनाना था तो आपने रेडी कर दिया। देखे सब चीजें मिक्स कर लिए ना, अब थोड़ा थोड़ा करके इसी में आज टॉपर में पीस लेंगे। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा भी होता था पहले पहले पर वो खराब हुआ है, आज इसी में कर लेंगे। वैसे चूल्हे वाली मशीन भी है हमारे पास है ना। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना भाई। Thank you.
इसको इसमें पार्ट लेंगे ताकि जो हम बंद गोभी बनाए ना सही खुले बर्तन में बन जाए ना। मेरी है पापा जी, ले ले आप। और गोद बन गए और करेले करेले भी बनाएंगे तले हुए। तो देखिए गोश्त हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए गोश्त और मसाला दोनों चीजें अच्छे से भूनना बेहद जरूरी है। अब हम इसमें गोभी डालते जाएंगे बिस्मिल्लाह पानी और थोड़ी सी गोभी की करेंगे भुनाई। इस गोभी की भुनाई जरूरी होती है, दूसरी गोभी की फूल गोभी की भी भुनाई जरूरी होती है। नींद उबाल पर नींद भूनोगे ना तो ये कच्ची कच्ची लगती है। फिलहाल छोटा लेंगे पर ये इसमें इस रेसिपी के हिसाब से ना ये ठीक है, बेस्ट है। ये बैठ जाएगी अभी गोभी का। अब हम थोड़ी थोड़ी गोभी भूनते जाएंगे और ये जो बंद गोभी होती है ना इसे तेज आंच पे भूना जाता है। कभी आप चाइनीज डिशेज देखें, चाइनीज को भी उसमें बंद गोभी को बहुत तेज आंच पे वो भूनते हैं। उधर हमने कोफ्तों का मसाला भी रेडी कर लिया, बस उसकी बॉल्स बना देनी है यानी कि कोफ्ते बनाने हैं। ठीक है, मैंने नमक डाल दिया था ना इसे? जी डाल दिया। हाँ डाला था जब कुकर बंद किया। जी बंद गोभी और गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मजेदार बनता है। ये थोड़ी थोड़ी करके बैठती जाएगी, थोड़ी देर छोड़ेंगे भी ताकि भून जाए फिर पलटेंगे। थोड़ा सा इसे भूनते जाएंगे, साथ साथ हम कोफ्ते भी प्रिपेयर कर देते हैं। देखिए मेरे कोफ्तों में थोड़ा रोगन कम है तो मैं इसमें डाल दूंगा, घी डालें तेल डालें कुछ भी डालें, मैं तेल डाल दूंगा थोड़ा सा। देखा जैसे ही हमने स्लो आंच की ना इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया गोभी में, है ना। थोड़ा सा इसे भूनेंगे और साथ में कोफ्तों को मसल लेंगे अच्छे से। थोड़ा रोगन कम था क्योंकि रूखा कीमा था, तो अब इसमें एक रोगन भी आ गया। इतना प्यारा हो गया हमारा, है ना जी।
हम इसके कोफ्ते बना लेंगे, इसे थैली लगा लेंगे क्योंकि हमने फ्रीज करने हैं, तो फ्रीज करने का ये तरीका होता है। ये देखिए इस तरह से आप नीचे एक प्लास्टिक की थैली लगाएंगे और उसके ऊपर मीट बॉल्स रखते हैं। ये देखो बस ये गोभी भी होगी, अब इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला जाता बंद गोभी में ना, ये अपना पानी काफी सारा खारिज करेगी, तो जरा सा मैं इसमें पानी डालूंगा और ये बहुत जल्दी नीचे भी लगती है इसलिए। हाथ के देना तो वो खुल नहीं रहा है ना जी, ये बस इतना पानी लगाएंगे थोड़ी सी गोभी सॉफ्ट हो जाए, अभी ये अपना पानी भी काफी सारा खारिज करेगी। ये देखो हमारी रेसिपी जो है तकरीबन बन के रेडी हो जाएगी, तकरीबन 15-20 मिनट बाद ये बन जाएगी। इसको हल्के फ्लेम पे रखा जाता है, जैसे ही इसे उबाल सा आ गया अब इसको हम दरमियानी आंच पे रख देंगे। ये देखो ठीक है, और ये नीचे लगती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, इसे चेक भी करेंगे। ये दिखाओ बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है। साथ में हम आ जाते हैं मीट बॉल्स बनाने कोफ्तों की तरफ, यानी कि बीफ मीट बॉल्स बनाने की तरफ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्लास्टिक इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसे फ्रीज करना है। इसी तरह मैं और सिस्टर जो है कोफ्ते बना के फ्रीज कर लेते हैं दरमियाने साइज के, और जब सिस्टर ने बताने होते हैं निकाल के मसाला बनाया और बस डाल दिया ना, तो मैं कोफ्ते बना लेता हूँ फिर मिलते। तो देखिए फ्रेंड्स कोफ्ते बन के रेडी हो गया, दिखाओ कितने प्यारे मीट बॉल्स बने हैं, और ये मैंने 2 लेयर्स में रखे हैं। जब हमें फ्रीज करने होते हैं ना, देखिए नीचे भी बेस में भी हमने इसके प्लास्टिक शीट बिछाई है, और जब दूसरी लेयर बिछाई है तो कोफ्तों को इसी तरह से हम कबाब भी शामी कबाब भी बना के फ्रीज करते हैं। तो देखिए दूसरी रेसिपी भी बना रहे हैं, आज करेले बना रहे हैं अच्छे से। ये देखिए सिस्टर ने 2 दफा पहले सीजन के नए करेले बनाए थे, 1 दफा चिकन में बनाए थे बहुत मजेदार, और 1 दफा बकरे के गोश्त में बनाए थे बहुत टेस्टी। तो आज ये मैं अपनी वालदा साहिबा स्टाइल करेले बना रहा हूँ पहली दफा इस सीजन में, पहली दफा ठीक है। पैन हमने रखी है, पैन हमारा अच्छा हीटअप हो चुका है, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, और ये इनको हम कहते हैं तले हुए करेले। वैसे मेरी वालदा साहिबा इस तरह से बनाती है, बहुत ही टेस्टी और मजेदार करेले होते हैं, तो इनको डीप फ्राई किया जाता है ठीक है। पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल हीट अप हो रहा है हमारा, और सिस्टर ने करेलों को पहले धो के और बीच में से इनके स्किन रिमूव करके और इस तरह से लंबाई में काट लिया, देखिए लंबे लंबे काटा है ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारी बंद गोभी भी बन रही है, दिखाओ हल्की फ्लेम पे हमने रखा हुआ हल्की आंच पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हम चम्मच चला लेते क्योंकि नीचे लगने का डर होता है। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं लग रही वैसे तो, पर इसे चम्मच चलाना जरूरी होता है बंद गोभी को। देखिए बंद गोभी और गोश्त भी मजेदार सा तैयार हो रहा है हमारा, और साथ में अब तो दूसरी रेसिपी भी बन रही है करेले की, वो भी तैयार करें। तेल हीटा प्रोजेक्ट मिलते हैं, और सिस्टर जाके फ्रीजर में कोफ्ते रखेंगे ठीक है। देखिए ऑयल हीटा हो चुका है, अब इसमें करेले छोड़ देंगे ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा ब्राउन करो ना तो ये सूख जाते हैं, तो ये बर्तन की ओर आ गया हमारे पास, सूख जाते हैं ना, तो इसलिए इनको थोड़ा सा, सिस्टर बहुत अच्छा बता रही हैं आपको कि इनको थोड़ा सा सिर्फ कुक करेंगे, अगर बहुत ज्यादा इनको फ्राई कर देंगे ना तो ये इनमें सारा जूस खत्म हो जाएगा और सख्त से हो जाएंगे ठीक है। और इस रेसिपी में जाती है बहुत सारे टमाटर, ये मेरी वालदा साहिबा स्पेशल रेसिपी है, यानी कि मेरी वालदा साहिबा बनाती है और हम गर्मियों में शौक से ये रेसिपी तले हुए करेलों की खाते हैं, बहुत टेस्टी बनाती है। सिस्टर भी बहुत अच्छे बनाती है, सिस्टर ने लास्ट टाइम चिकन में भी करेले बनाए थे, और इसके अलावा बकरे के गोश्त में अच्छे से करेले बनाए थे ठीक है। ठीक है, इतने टमाटर बहुत है ना, आई थिंक बहुत है। थोड़े से करेले तल,
ये बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार रेसिपी होती है। दूसरी तरफ हमारी बंद गोभी और गोश्त भी मजेदार सा बन जाता है। देखिए मैंने हल्की सी आंच पे इसे रखा, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे चम्मच फेर लेते हैं। और इसे आप थोड़ा सा इस तरह से शोरबे वाला भी खा सकते हैं और बिल्कुल सूखी भी खा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पकता जा रहा है मजेदार। बंद गोभी अच्छी गली भी होनी चाहिए, फिर खाने का मजा आता है। ठीक है, चलो देखिए बस करेले तले गए, बिल्कुल हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना, बस इतने ठीक है। मेरी सिस्टर तो ज्यादा ये करेले बहुत ज्यादा मिकदार में पकाती है ना, तो ऐसे स्पाइडर से निकाल लेती है, स्पाइडर से तेल अच्छे से निचोड़ जाता है ना। जी भाई, ये करेले बने हो और दोपहर हो ना, साथ में गर्मा गर्म रोटी, तले हुए करेले और इसके अलावा लस्सी जी, नमकीन लस्सी हो तो बहुत मजा आता है। ये मेरी वालदा साहिबा बहुत ज्यादा ये रेसिपी बनाती है गर्मियों में और हम बहुत शौक से ये रेसिपी खाते भी हैं। ठीक है, ठीक है, तेल डाल लो फिर मिलते हैं। ठीक है, इस पैन में से मैंने ऑयल कम कर लिया है, इससे भी थोड़ा करना चाहिए था क्योंकि करेलों में काफी सारा ऑयल है। अब इसमें चला जाएंगे ये टमाटोज, इस तरह से टमाटोज जाने के बाद इसमें क्या जाएगा, रेड चिली, करेले के हिसाब से रेड चिली और नमक, बस ये दो चीजें, सिंपल सा। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। ठीक है, ठीक, बस आप टमाटरों को हमें क्या करना है, सॉफ्ट करना है थोड़ा सा, और ये जो हमने डाला है क्या कहते हैं नमक और मिर्च, इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है। ठीक है, साथ साथ थोड़ा सा जीरा डाल दूंगा, वैसे मेरी वालदा साहिबा नहीं डालती अपनी इसमें कुछ भी, और मैं थोड़ा सा टेस्ट को बढ़िया करने के लिए बता दूंगा। आप देखते हैं अरीला, माशाल्लाह ये हमारी रेडी होगी है। थोड़ा सी तेज फ्लेम करते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर कम हो जाए। बस अब इसको क्या करेंगे आप, कवर अप, थोड़ी देर कवर अप करते हैं ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उसका मैं से पानी खुश करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बस देखें ये हमारी ये वाली रेसिपी डन हो गई है। ठीक है, इसको कर देंगे। अच्छा, इसका ढक्कन ये, और इधर देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, थोड़ी देर हमने कवर अप किया। सेम इसी मेथड से मेरी सिस्टर जो है सुबह टमाटर बनाती है, बीच पे अंडे दो तीन डाल देती है, बहुत मजे के पराठे के साथ लगते हैं। इसमें अंडे डाल दो ना, बहुत मजा आता है। बीच में मिर्चे डाल दी, हरी मिर्चे बिल्कुल साफ ऐसे काट के ना, यस, लंबे साफ बीच में तीरा दे के हरी मिर्चे, बहुत मजे की और चटनी बन गई। ये सिस्टर टमाटर की चटनी भी इस तरह से बनाते हैं, तो अगर चटनी से इतना खानी हो तो इसमें अंडे डाल देती है दो से। ये अब इसमें करेले छोड़ देंगे तले में, ये हमारे हाफ डन तो है ही टोफू हुए क्योंकि हमने इसे तल लिया था ना। और ये हमारी सबसे फेवरेट डिश है ना, बहुत फेवरेट, ये तो बहुत वालदा साहिबा से फरमाइश पे ये गर्मियों में बना करती थी और वालिद साहब जो है फरमाइश पे बनाया था। बस अब क्या करना है हमें, इसको दम लगा, दम दे देना है। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम करके और इसको हम दम दे देंगे। दोनों रेसिपीज हमारी आज की डन डन हो गई।
बस इसमें कोई पानी का छींटा विंटा नहीं जाएगा, जो टमाटरों का पानी है उसमें ही पकेगी। और ये भी डन हो गया देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब सिस्टर बनाएंगी डिनर में साथ में तवे वाली रोटियां मजेदार सी।